हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं फतेहाबाद में कोवैक्सीन की डोज खत्म होने के चलते बुजुर्गों को इस वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लग पा रही है। वैक्सीन की पहली खेप खत्म हो चुकी है और नई खेप के लिए स्वास्थ्य विभाग इंतजार कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की डिप्टी सिविल सर्जन और कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनीता सोखी ने बताया कि कोवैक्सीन की दूसरी खेप अभी तक विभाग को नहीं मिल पाई है, जिसके लिए उच्च अधिकारियों से बात की गई। फिलहाल जिले में आसपास की सीएचसी और पीएचसी से पहली खेप में से बची कोवैक्सीन की डोज को जरूरत वाली जगह पर अस्पताल में शिफ्ट करवाकर काम चलाया जा रहा है। आज से हमने कोवैक्सीन लगानी शुरू की जब सीनियर सिटीजन का फेज स्टार्ट हुआ, जो 45 से 59 साल वाले और 60 साल से ऊपर वालों का जो फेज है वो 1 मार्च से स्टार्ट हुआ था और हमने उसी दिन कोवैक्सीन खोली थी। और कोवैक्सीन अभी हमें जैसे स्टेट से आदेश प्राप्त हुए कि 8 अप्रैल को कोवैक्सीन सभी जिलों में आ जाएगी। अभी मैंने इसकी शॉर्टेज को देखते हुए हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो फोन में मुझे पता चल जाता है कि मैं किसके पास कोवैक्सीन एक्स्ट्रा पड़ी है, ताकि हम जुडिशली जिनको सेकेंड डोज की जरूरत है उनको जरूर लगाएं, क्योंकि सेकेंड डोज की बेनिफिशियरी हमारे पास अब आनी शुरू हो गई है। और ये वैक्सीन जब लॉन्च हुई थी जब भी बताया गया था कि जो पहली डोज लगी है वही दूसरी भी लगेगी।